तो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले जाने वाली अगली सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम और वनडे टीम का तो ऐलान हो ही गया था, पर अभी कुछ मिनट पहले बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया के 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, आईपीएल में धमाल मचाने वाले कुछ खिलाड़ी अब इंडियन टी20 टीम में शामिल हो गए हैं, जो एक एक करके हम आपको 15 सदस्यों के नाम बताते हैं। तो इंडिया टी20 स्क्वाड में ओपनर के तौर पर ईशान किशन, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, जो कि संभावित थे पहले से ही कि इन तीनों का नाम जरूर टीम में आएगा। तिलक वर्मा, आईपीएल के शानदार परफॉर्मेंस का उनको इनाम मिला है, तिलक वर्मा इंडियन टीम में शामिल हो गए हैं। और सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन हैं टी20 टीम के, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युगवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार। मुकेश कुमार भी ऐसा एक नाम है जो आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस का उनको इनाम मिला है, या मैंने आपको वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली मैचों के लिए जिनमें आईपीएल के शानदार प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैचों में मौका मिला है। साथ ही अपनी बॉलिंग से सबको प्रभावित करने वाले मुकेश कुमार को भी टीम इंडिया में एक अच्छा मौका मिला है। बाकी खिलाड़ियों को तो खेलना संभावित लग ही रहा था, लेकिन मुकेश कुमार और तिलक वर्मा ऐसे दो नए खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के भविष्य के तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। बाकी आईपीएल में इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, पर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि बीसीसीआई को अब उनमें इंडिया टीम में क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं दिखता। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई जैसे ही कुछ और अपडेट मिलती है आपको तुरंत बताते हैं। शुक्रिया।